लेकिन फॉडर क्रॉप पर कोई भी असर नहीं है इसका। विनाश काले और डाउट्स, अभी हाइब्रिड नेपियर है ना, को वन को टू को थ्री को फाइव, ये रिसेंट वेराइटी है तो, और फॉडर प्रोडक्शन इज 3000 to 4000 क्विंटल पर हेक्टेयर पर ईयर, मल्टीप्लाई बाई टू एंड हाफ पर के जी, देन कैलकुलेट हाउ मच यू आर गेटिंग। सिंपल है, इसमें लिया जलाना है सिंपल है, और ये जब निकालना है 75% ही निकालना है, क्योंकि यही सीड है, यही फीड है, मल्टीप्लाई इसी से होगा। शुगर पेशेंट जो भी है वो भी खाए तो शुगर कम हो जाए। हाँ, मैं देखा तो था, जब मैं बंगलोर में था, एक डॉक्टर ने है ना इसे एक वो निकाला था पेपर में, उनका पब्लिश हुआ था कॉलम, तो उसमें था, रखा भी हूँ, तो उन्होंने किया था कि यदि इसे अच्छा तरह से फ्रेश वाटर में धो करके भुजिया बनाई जाती है तो उसे है ना ब्लड प्रेशर और शुगर का आदमी है ना खा करके इसे कंट्रोल किया जाता है। ट्राई करने के ट्राई नहीं किया मैंने क्योंकि जैसे नहीं देखिए ड्रम स्टिक्स, जैसे मुरिंगा है ना, अभी मुरिंगा का इतना वो है ऑल ओवर वर्ल्ड, मुरिंगा का मल्टीपर्पज, उसका लीफ खाया जाता है, स्किन का वो हटा करके उसे भी, स्टेम भी खाया जाता है, और पॉड तो आपके यहाँ पर सांभर में चलता ही है, और सब्जी भी बहुत अच्छा बनता है, हम सांभर में पसंद नहीं करते लेकिन सब्जी बहुत अच्छा लाइक करते हैं उसका, सब्जी बना करके, तो वो भी है मुरिंगा एंड एजोला, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। अच्छा, ये देखिए सर, यदि इसमें अभी हमारा ग्रीन कलर रहेगा, यदि येलोइश कलर देखते हैं तब फिर से देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 250 ग्राम काउ डंग है ना सफिशियंट उसे, लेकिन बकेट में पानी में घोलना है, डायरेक्ट नहीं डालना, पहले पानी में घोल करके तब इसके अंदर डाल दीजिए, फिर से ग्रीन कलर आ जाएगा। मतलब ये जो काउ डंग है ये ज़रूरी है, जरूरी इसी से, यही तो मतलब इसका यहाँ पर एक्चुअल में देखिए क्या है, एजोला के साथ है ना एजोफर्ट, और वो आता है इसका केमिकल आता है एजोफर्ट, उसे यदि मिलता है तो उसे दीजिए, तो काउडंग का है ना कम जरूरत पड़ता है।